फ्रेंड्स वेलकम ऑनलाइन क्लासेस बिशप एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल महाराजगंज। टुडे आई विल बी डिस्कस द सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 ग्राफिकल यानी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो टुडे आई विल डिस्कस मोशन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड देयर फर्स्ट क्वेश्चन आर द गिवेन ए कार एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ द 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। फाइंड द एक्सेलरेशन द एवरेज वेलासिटी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। तो क्वेश्चन दिया है कि एक कार जो है पहले रेस्ट फॉर्म में यानी खड़ी है, रुकी हुई है, लेकिन स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद उसका स्पीड होता है वो आ जाता है कितना, 72 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। तो कह रहा है कि अगर उसका स्पीड 10 सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर जाता है तो एट विच रेट दिस कार भी इंक्रीज इट्स वेलासिटी, कि वह कार अपना स्पीड किस रेट से बढ़ा रहा है, एक्सेलरेशन निकालना है। फिर दूसरा इसमें पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज वेलासिटी, और फिर तीसरा पूछा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें सॉल्यूशन पर आते हैं, तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। तो पहले इसमें ये दिया हुआ है u इक्वल टू 0 इनिशियल, क्योंकि कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है, चलो रुका हुआ है। v की वैल्यू दिया हुआ इसमें 72 इंटू 5/18, चूँकि किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये कह रहा है, टाइम भी दिया है क्वेश्चन में, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड, यानी 0 से 20 तक स्पीड करने में उसको 10 सेकेंड का समय लग रहा है। तो पहला पार्ट ए हम निकालते हैं, तो आप लिखते हैं बाई मोशन इक्वेशन फर्स्ट भी इक्वल टू यू प्लस 80। तो भी इक्वल टू 20, यू इक्वल टू 0, ए हमें फाइंड करना और टी दिया है 10, तो गया 20 इक्वल टू 10 ए, 0 0 कैंसिल हो गया, यानी ए इक्वल टू हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कार अपने स्पीड को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। दूसरा पार्ट इसका पूछ रहा है एवरेज वेलासिटी, बी पार्ट, यहाँ हो जाएगा एवरेज वेलासिटी इक्वल टू यू प्लस वी बाई टी, तो 0 प्लस 20 बाई 10 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। और तीसरा पार्ट इसमें पूछ रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। तो तीसरे पार्ट के लिए हम आते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम में हम दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, मोशन इक्वेशन सेकेंड भी यूज कर सकते हैं और मोशन इक्वेशन हम थर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम तीसरे पार्ट के लिए लिखते हैं डिस्टेंस कवर बाय कार बाय मोशन इक्वेशन सेकेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT² तो 0 × 10 + 1/2, ए की वैल्यू 2 निकल चुका था और टाइम 10 × 10, तो हो गया 0 + 1 × 7 कैंसिल हो गया तो 100। तो ये आंसर हमारा आ गया, वह कार 10 सेकंड में 100 मीटर की जर्नी कंप्लीट करेगा। आफ्टर दिस वी आर कमिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चूंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ बेस पे है तो ग्राफ में थोड़ा सा टाइमिंग यहाँ पे नहीं आ पाया है एक्स एक्सिस पे, उसको अभी हम सॉल्यूशन में दिखाएंगे। कह रहा है कि स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस ग्राफ पे हमको 5 6 क्वेश्चन हमने इसमें अडॉप्ट किया है और 6 क्वेश्चन का हमें आंसर इस ग्राफ के बेस से देना है। पहला दिया कि व्हाट टाइप ऑफ द मोशन इज द रिप्रेजेंट बाई ओ ए, क्योंकि यह ए यहाँ पे है, अभी हम फिगर में उसको करेक्ट कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ द मोशन इज द रिप्रेजेंट बाई ए बी, व्हाट टाइप ऑफ द मोशन इज द रिप्रेजेंट बाई बी सी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम 0 टू ए,
एंड व्हाट इज द एक्सलेशन ऑफ द कार फ्रॉम ए टू बी एंड व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार फ्रॉम बी टू सी। तो ऐसे केस के लिए हम इसके सोल्यूशन पर जब आएंगे तो इसका आंसर हम डिफाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा इसका हमको ड्रा करना पड़ेगा। ए बी एंड सी है, 0 से 10 सेकेंड का है, फिर यहाँ पर 30 सेकेंड है और पॉइंट सी पे जो है 50 सेकेंड का है। तो यानी टाइम इंटरवल का जो गैप दिया गया है वह 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गया और टाइट हो गया। तो पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट, कि व्हाट टाइप ऑफ द मोशन रिप्रेजेंट बाई ओ ए। तो ओ से ए एक स्ट्रेट लाइन है और इसको जब हम लेसन एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें बता रहे थे कि अगर कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है तो वह यूनिफॉर्म मोशन होगा, और चूंकि इसमें कंटिन्यू स्पीड इसका बढ़ रहा है 0 से 40 यानी 10 सेकंड के बाद 0 से उसका स्पीड बढ़ कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो पहले मैं इसको लिखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यानी पहले क्वेश्चन में क्योंकि ग्राफ ओ ए एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें लगातार कार की स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको हम कहेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी एक निश्चित रेट से कार का स्पीड बढ़ रहा है। दूसरे पार्ट पाएंगे तो दूसरे पार्ट में दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ द मोशन इज द रिप्रेजेंट बाई ए बी। तो ए से बी, तो यहां लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू टाइम, सो ए बी इज रिप्रेजेंट, ए बी इज द रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट मोशन। कौन सा मोशन? कॉन्स्टेंट मोशन, यानी ए से बी के बीच में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, उसके स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन दिया कि व्हाट टाइप ऑफ द मोशन इज द रिप्रेजेंट बाई बी सी। तो बी से सी तक का ए भी ग्राफ जैसे ओ से ए तक इंक्रीज कर रहा है लेकिन बी से सी तक और डिक्रीज कर रहा है, तो आप लिखेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, या इसको डी एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हैं। तो तीसरे का आंसर हो गया, चूंकि इसमें कंटिन्यू स्पीड घट रही है यानी बी से सी तक आने में कार का स्पीड 40 से घट करके कितना हो गया 0 फिर पे आ गया। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार 0 to A। चौथे में पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कहाँ से पूछ रहा है 0 to A, तो A इक्वल टू फार्मूला क्या था, वी माइनस यू बाई टी। तभी बताए हैं कि यहाँ पर स्पीड क्या है 0 है और V की वैल्यू बाई 10 सेकेंड इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी चौथे क्वेश्चन में कार का जो एक्सेलरेटिंग वैल्यू है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन फॉर द कार ए टू बी। पांचवे में
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर, फोर दो बार आ गया है, उसको फाइव करते हैं। फाइव में पूछ रहा है एक्सेलरेशन ए टू बी ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ए टू बी तो जो स्पीड ए पर है 40 मीटर पर सेकेंड, वो स्पीड बी पे ही है, इसमें हो जाएगा 40 माइनस 40 अपॉन टाइम इंटरवल 30 माइनस 10 इक्वल टू 0 बाई 20 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जब किसी मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो आ जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड कहते हैं, उसको स्टेशनरी स्पीड भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन तो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब क्या हो गया कि व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव, अगर कैलकुलेशन में एक्सेलरेशन माइनस में आता है तो उसको हम रिटार्डेशन कहेंगे, लेकिन जब हम रिटार्डेशन वर्ड लिखेंगे तब हम ए के साथ माइनस नहीं लगाएंगे, अगर ए के साथ माइनस लगा रहे हैं तब उसको हम फिर लिखेंगे एक्सेलरेशन ही लिखेंगे। तो हो गया, क्योंकि इस ग्राफ में फाइनल पॉइंट सी है और यहाँ पर स्पीड किससे वेरीज कर रहा है, जीरो से वेरीज कर रहा है, तो हो गया जीरो माइनस 40 अपॉन टाइम 50 माइनस 30 इक्वल टू माइनस 40 अपॉन 20 इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से एक ग्राफ बेस में हम पॉइंट बाय पॉइंट, अब मान लो इसमें भी क्वेश्चन और बढ़ाया जाए तो बढ़ सकता है, जैसे अभी पूछा जाए कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय कार, तो हमने ग्राफ का जब प्रूफिंग किए थे तो हम कहे थे कि अगर कोई भी ग्राफिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है अगर उसमें डिस्टेंस निकाला जाता है तो जो फिगर एडॉप्ट हुआ है हमको क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन में जो फिगर दिख रहा है उस फिगर का हम एरिया निकालेंगे, तो चूंकि ऐसे का कोई हम हमारे पास परफेक्ट व्यू नहीं है निकालने का, इसलिए ऐसे फिगर को हम इस तरह से तीन पार्ट में तोड़ देते, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, फिर तीनों के एरिया निकाल के ऐड कर देते, हमारा ये जो रिजल्ट होता वह डिस्टेंस का डिफाइन हो जाता। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड द इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गिवेन द सम नोट्स ऑफ द न्यूमेरिकल हु आर राइट इन योर फेयर कॉपी। थैंक यू।